अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मिस्ट्री बॉक्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ही खास सेलर की तरफ है। तो दोस्तों ये वाला जो मिस्ट्री बॉक्स है ये मुझे सेंड किया है एक सेलर ने और ये स्पॉन्सर है और काफ़ी अच्छा मिस्ट्री बॉक्स है और काफ़ी महंगा मिस्ट्री बॉक्स है। मिस्ट्री बॉक्स को जिस सेलर ने स्पॉन्सर किया है उनका जो स्टोर है उसका लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी इनसे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके इनकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। तो आज का मिस्ट्री बॉक्स जो मेरे पास आया है थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद उसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बारे में बात करते चलूँ तो इसका जो प्राइस टैग है वो यहाँ पे 1500 रुपया लगा हुआ है। तो ये मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड किया गया है तो मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया है। करेंगे ओपन और देखेंगे कि इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से इस मिस्ट्री बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। लेकिन मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करने से पहले यार आज की वीडियो का लाइक टारगेट, तो आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है सिर्फ 500 लाइक्स। तो यार 500 लाइक्स कर देना, काफ़ी वीडियोज़ हो गए हमारे 500 लाइक्स को कम्प्लीट नहीं हुए, तो हो जाने चाहिए यार, बस कर दो। तो उसके साथ से चैनल पे न्यू है और तो इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को तौर पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह की अनबॉक्सिंग की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह करता हूँ, आज के इस मिस्ट्री बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वाला जो मिस्ट्री बॉक्स है ये है एक स्टेशनरी मिस्ट्री बॉक्स, क्योंकि इनके स्टोर के ऊपर स्टेशनरी की आइटम्स भी मौजूद है। तो इन्होंने जो मुझे स्पॉन्सर किया था वो था स्टेशनरी मिस्ट्री बॉक्स। तो आज ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो मुझे मिस्ट्री बॉक्स मिला है, देखेंगे इसके अंदर से क्या कुछ निकलता है। ऊपर इसके जो लिखी हुई है इसकी प्राइस वो 1500 रुपया है और देखते हैं कि क्या इसमें से निकलता है। सबसे पहली बात तो पता चलूँ कि अच्छे सेलर्स कभी कभी मिलते हैं, तो इस वजह से ये सेलर्स काफ़ी अच्छे हैं। जिस लिहाज से द्रास पे आजकल चल रहा है तो उस लिहाज से इनकी जो आइटम्स हैं, क्योंकि एक दो बार पहले भी मैं इससे चीज़ें मंगवा चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें ये सेंड करते हैं। चलिए ये वाला मिस्ट्री बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें हमें देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। डिब्बा खोलने के बाद भी ऊपर एक इस तरह कार्डबोर्ड को रखा गया है और वो भी द्रास का ही कार्डबोर्ड रखा गया, कोई भी लोकल कार्डबोर्ड उठा के नहीं रख दिया गया। तो अब मैं इसको भी उठाता हूँ और इसके बाद बारी बारी सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल रहा है, तो डिब्बे में फिलहाल साइड पे कर रहा हूँ और बारी बारी ये चीज़ें उठा के आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये कुछ शॉपर वगैरह है, इसमें देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिला है। इसी तरह काफ़ी अच्छे तरीके से पैकिंग में ये चीज़ें सारी की सारी सेंड की हैं हमें। इस तरीके से नहीं किया कि पीछा नहीं छुड़वाया, ठीक है। तो कुछ सेलर होते हैं वो चीज़ सेंड इस तरीके से करते हैं कि जी वो बस कुछ ना पूछें, बाकी ये खोलते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक दो तीन चार और पांच अदद इंक पेन हैं और ये मेरा ख्याल है, देखें 30 30 और यहाँ पे ये वाला 50 का लगा लेता हूँ और ये 70 70 पे तकरीबन मेरा ख्याल है 250 तक तो ये पेन है, ठीक है। क्योंकि ये दो तो अच्छे पेन हैं और बाकी 3 अच्छे पेन हैं, बाकी 2 नॉर्मल हैं। तो ये पेन है सबसे पहले हमारे पास और काफ़ी अच्छे पेन हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या हमारे पास देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट ये वाला दूसरा पैकेट खोलता हूँ। इसी तरह पैकेट के अंदर चीज़ है, तो ये 2 अदद वाइटनर हैं, ठीक है जी। ये 2 अदद वाइटनर निकले हैं, सबसे दूसरे नंबर पे हमारे पास 2 अदद वाइटनर हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा ख्याल है 50 50 रुपये के अंदर 100 के तो ये हो गए हैं। और उसके बाद दोस्तों 2 मेरे पास हैं हाइलाइटर्स।
दो हाइलाइटर्स हैं इसके बाद इसके अंदर, और अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट उसी तरह एक ग्रास के फ्लावर के अंदर तो ये कुछ मार्कर्स देखने को मिले। ये कट मार्कर हैं ब्लैक कलर के, तो कट मार्कर की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 15-15 रुपए का कट मार्कर होता है, तो ये तकरीबन 45 रुपए के बनते हैं। एक और उसी तरह पैकेट बना हुआ है, तो इसके अंदर दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं दो अदद परमानेंट मार्कर ब्लैक कलर के। तो 50-50 का तो मार्कर लाजमी था, 100 के ये हो गए। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है जी एक अदद फेरी लाइट। तो फेरी लाइट में अभी आपको चला के भी दिखाऊंगा, ये जैसे कि आप लोगों के सामने आ रहा है ये इस तरीके से चलती है और काफी एक अच्छी सी लुक देती है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है जी वो है जी कलर्स। तो ये कलर्स हम जो आम बच्चे पेंटिंग वगैरह पे करते हैं, तो ये इस वजह से काफी अच्छा लगा, ठीक है। तो ये भी हम इसको भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद ये रबड़ बैंड का एक पैकेट निकला है, रबड़ बैंड का एक पैकेट है। उसके बाद दोस्तों दो अदद ये ग्लू स्टिक्स निकले हैं। ग्लू स्टिक्स आमतौर पर किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए यूज होते हैं, और इसके बारे में और क्या कहूँ। और एक अदद मोबाइल होल्डर निकला है, मोबाइल होल्डर इनकी शॉप पे में भी ये भी होंगे, तो इस वजह से ये सेंड किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी एक बलून्स का पैकेट। तो बलून्स का पैकेट तो पता नहीं कितने बलून्स हैं इसमें, तो बलून्स का पैकेट भी बहरहाल हमारा एक निकला है। नॉर्मल इसकी प्राइस मेरे ख्याल में 50 रुपये तक होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमारे पेन आए हैं उनके लिए इंक भी भेज दी है, तो काफ़ी ये तो कमाल हो गया है, ताकि इंक भी साथ होनी चाहिए इन पेन को चलाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत अलग क्वालिटी की एक टेप है, ट्रांसपेरेंट टेप, और ये 2 इंच, हाँ जी 2 इंच चौड़ाई वाली टेप है, और ये 80-90 रुपये की मिलती है। अब नेक्स्ट हमारे पास और एक रैपर मौजूद है, और इसको हम देखते हैं इसके अंदर क्या मौजूद है। इसके अंदर भी परमानेंट मार्कर्स मौजूद हैं, लेकिन ये ब्लू वाले हैं और ये 3 हैं, ठीक है जी, 3 परमानेंट मार्कर। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है एक अदर ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री जो है ये 50-60 रुपए की मिलती है। उसके बाद दोस्तों लास्ट पे हैं जी मेरे पास दो अदद प्लास्टिक ज्योमेट्रीज। तो ये सारे का सारा सामान आज भेजा, इसके बाद डिब्बा हो चुका है खाली। तो ये सारे का सारा सामान भेजा गया है, और आप मुझे इनकी एक बात तो बहुत अच्छी लगी है कि इनकी जो पैकिंग है, पैकिंग बहुत अच्छे से की हुई थी, पैकिंग में कोई मसला नहीं था, पैकिंग बहुत अच्छे और क्लियर अंदाज से की गई थी। तो क्योंकि इनका कहना है कि अगर कोई भी चीज़ टूट जाती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके उसकी मुझे पिक्चर भेज दें, तो मैं आपको उसके पैसे भेज दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में आई हैं मेरे पास। तो ये सारे का सारा सामान निकला इस मिस्टर बुक्स के अंदर से, और ये मुझे बिल्कुल फ्री भेजा था बिंडरवर्ड स्टोर ने। तो बिंडरवर्ड स्टोर जो है ना, ये आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और भी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, वो जाके आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर इस तरह की वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।